हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन यानी कि रैक्स एंड रोलर्स का आ रहा है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर मैं ना तो ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला हूं, ना ही मैं ऐसा होने वाला हूं कि ज्यादा ही अवॉइड करने वाला हूं इस आईपीओ को। मतलब कि किस तरीके से आती है इस आईपीओ में मेनली डिमांड, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है जिसके बेस पर मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन इस आईपीओ में बनेगा। क्योंकि अगर हम कंपनी का काम देखते हैं तो वो एक अच्छा काम होने वाला है, बट कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली है जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और एट द फाइनल मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा हमें सुधरा हुआ देखने को मिला है और आईपीओ की भी अच्छी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर बाय चांस आईपीओ मार्केट का मूड माहौल यहाँ पर बिगड़ा हुआ होता तो ऑब्वियसली मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर देता, बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज्ड होने वाली है इन स्टोरेज रैकिंग सिस्टम, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉल करती है मेटल स्टोरेज रैक्स, ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज एंड अदर स्टोरेज सॉल्यूशन। कंपनी प्रोवाइड करती है स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जिनमें आ जाते हैं ऑयल एंड गैस, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रिटेल एंड FMCG। ओवरऑल में काम की बात करते हैं तो अच्छा काम होने वाला है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलोर में होने वाली है और इसी के साथ साथ कंपनी ने मोर देन 2500 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर दिया है और मोर देन 900 कस्टमर्स को इन्होंने सर्व किया है वर्ल्ड वाइड। उसी के साथ साथ इनका इंडिया में ही नहीं, ओवर 30 कंट्रीज में यहां पर कंपनी की प्रेजेंस होने वाली है। एज ऑफ अक्टूबर 31, 2023 कंपनी के पास टोटल 166 परमानेंट एम्प्लॉयज होने वाले हैं एंड 94 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होने वाले हैं। काम वाइज कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी की टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30th of April को, क्लोज होगा 3rd of May को, अलॉटमेंट होगी 6th of May को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 7th of May से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 7th of May को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 8th of May की, फेस वैल्यू रहेगी ₹10 पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 73 से 78 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज होने वाला है 1600 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 29.95 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। BSE के SME पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की यानी कि कोटा की, तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNI में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 1600 शेयर्स का होने वाला है जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,24,800 रुपीज की। HNI में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,49,600 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो कासिम शेख, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल गफर डोर, हानिफ ए खत्री, सायद अजीम, अब्जुल हुसैन एंड नुमान कासिम कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, पोस्ट इशू आ जाएगी 70% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, यानी कि कंपनी के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा जहां पर मूड बिगड़ा है इस आईपीओ में। सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 31 करोड़ का, जो इंक्रीज होते होते पहले 6th मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 63.75 करोड़ का, डबल से ज्यादा हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 48.52 करोड़ का, 2022 में 69.89 करोड़ का, 2023 में 81.37 करोड़ का, पहले 6th मंथ में 53.17 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 1.18 करोड़ का, 2022 में 20 लाख का लॉस, 2023 में 48 लाख का प्रॉफिट एंड फाइनली 6th मंथ ऑफ 1st 2024 फाइनेंशियल ईयर में 3.58 करोड़ का।
रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज होता जा रहा था, बट जहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में हमें डिक्रीज देखने को मिला और वहां पर जो इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है, वो कुछ भी रीजन हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फिगर मुझे जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। या तो कंपनी के साथ साथ रेवेन्यू भी कम होते रहते, बट कंपनी के रेवेन्यू कम नहीं हुए हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होता जा रहा था, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आफ्टर ऑल एट द लास्ट कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है, अपने ट्रैक पर आ चुकी है, बट जस्ट आईपीओ आने से पहले ये फिगर्स रियलिटी में होने वाले हैं या कागजों कागजों में होने वाला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क और सोचने वाला पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मुझे सबसे मेजर दिक्कत देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते तो 9.53 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.53 करोड़ का, टोटल बोरोइंग 16.32 करोड़ की होने वाली है, जो 3.47 करोड़ से इंक्रीज होते थे पहुंच गया ऑलमोस्ट 5 टाइम। अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे फाइनेंशियल मैं जहां पर नहीं बोलूंगा, और इनफैक्ट न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव बोलूंगा, और वो भी सिर्फ स्लाइटली नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहां पर हमें फिर भी फिगर्स में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है फाइनली एट 2024 फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सेकेंडली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 46% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 37% की अच्छी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.78 का ठीक ठाक बोल सकते हैं, ईपीएस 11.96 की, पीई 48.45 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो वहां पर अच्छे फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहा है, इतनी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं मिली है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं तो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज, इसका भी एसएमई आईपीओ आया था और इसका पी हमें देखने को मिल रहा है 33 का। जीएमपी आज के टाइम पर इसका कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना महंगा आ रहा है ना ही सस्ता आ रहा है। बट अगर हम 2023 का डाटा लेकर चलते हैं तो ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है, बट एट द फाइनल जो भी फाइनल डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सब्सक्रिप्शन, उसके बेस पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।